आप बोलेंगे क्या, किसने किया, कौन था? अमेरिका नाम का एक देश है, वहां पर एक आदमी राष्ट्रपति बना है, उसका नाम है बराक ओबामा। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में पहली बार एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। अमेरिका गोरे लोगों का देश है, लेकिन वहां एक काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। कैसे हो गया? गोरे लोगों में काला आदमी राष्ट्रपति, काले लोगों के वोट अमेरिका में सिर्फ 15% हैं, गोरे लोगों के वोट 85% हैं, फिर भी गोरे लोगों ने काले आदमी को जिता दिया। कारण जानते हैं? उसने वायदा किया था अमेरिका के लोगों से, उसने वायदा किया था कि मैं अगर राष्ट्रपति जीत कर आया तो सबसे पहला कानून बनाऊंगा अमेरिका में, जो भ्रष्टाचारी नेताओं ने धन अमेरिका का लूटकर विदेशी बैंकों में रखा है इसको वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने जिता दिया उसको, और इतने वोटों से जिताया जो 250 साल का इतिहास टूट गया अमेरिका। वो जीत के आ गया, जीत कर आकर उसने सबसे पहला कानून यही बनाया अपने देश में। आपको मालूम है जैसे भारत में भ्रष्टाचारी नेता हैं, अमेरिका में भी हैं। बस अंतर इतना है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार करने वाले नेता बहुत बड़ा करते हैं, हमारे थोड़ा छोटा छोटा करते हैं। उनके यहां जब नेता लूटते हैं ना, अरबों डॉलर में लूटते, एक एक अरब डॉलर, दो दो अरब डॉलर, दस दस अरब डॉलर, एक अरब में 100 करोड़ होता है। हमारे यहां नेता लूटते हैं लाखों और करोड़ों में, वो अरबों में लूटते हैं। भ्रष्टाचार वहां भी है, यहां भी है, बस लूट के क्वालिटी में अंतर है, यहां कम है वहां ज्यादा। तो उसने, ओबामा ने कहा कि मैं आऊंगा तो ये भ्रष्टाचार का धन वापस लाऊंगा। लोगों ने जिता दिया, जीतने के बाद उसने संसद में कानून बना दिया। जैसे ही कानून बना, 15 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अमेरिका के भ्रष्टाचारी नेताओं का जितना धन था वो सब अमेरिका ने वापस ले लिया, सारा धन वापस ले लिया। थोड़े बार क्या हुआ, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आनाकानी की, नहीं देंगे, आप क्या कर लोगे? तो उसने एक ही काम किया कि मैं क्या कर लूंगा ये बताता हूं अभी। उन्होंने कहा इराक और अफगानिस्तान दो देशों को तबाह कर दिया है, स्विट्जरलैंड को भी कर सकता हूं। डर गए स्विट्जरलैंड वाले, और स्विट्जरलैंड के पास तो फौज नहीं है, आर्मी नहीं है। अमेरिका ने कहा एक ही मिसाइल छोड़ूंगा और ध्वस्त हो जाएगा, सोच लो। धमकी दी, दादागिरी की, स्विट्जरलैंड ने तुरंत सरेंडर कर दिया, सब पैसा उनको वापस दे दिया। मेरा ये कहना है कि अगर अमेरिका ने ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे कोई कम है क्या? बराक ओबामा काला आदमी है, हम भी काले हैं। उसकी दो आंखें अपनी भी दो ही हैं, उसके दो काने अपने भी दो ही हैं, उसको जितनी अकल और बुद्धि है उतनी अपने पास भी है, क्यों नहीं कर सकते? और जब उसने करने का संकल्प किया तो भगवान ने भी मदद की उसको, इतने बड़े वोटों से जिताकर राष्ट्रपति बना दिया। हम संकल्प करेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करेगा, करेगा तो हम भी कर सकते हैं। और हमारे पास ये करने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अपनी संसद से कानून बनाए हम, और इस धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करें, सारा पैसा वापस आ जाएगा। क्यों? स्विट्जरलैंड में और दुनिया के दूसरे देश की बैंकों में कानून है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश की राष्ट्रीय बैंक में ही जमा होती है, दूसरी बैंकों में नहीं हो सकती, तो ये कानून की मदद मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि हम भी दादागिरी करें, और कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड तो छोटा सा देश है, 70-80 लाख की आबादी है, अगर हम दादागिरी पर ही उतर आएं और 115 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो स्विट्जरलैंड तो बह जाएगा उसमें। हम भी कर सकते हैं दादागिरी, हमारे पास 14 लाख की तो हमारी आर्मी है, फिर वायुसेना है, फिर जल सेना है, तो हम भी कर सकते हैं। फिर आप बोलेंगे हम दादागिरी करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, उल्टा होने वाला है। अगर हमने दादागिरी की तो दुनिया के 50 देश हमारे साथ आके दादागिरी और ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनका पैसा भी वहां पड़ा है, तो स्विट्जरलैंड तो अकेला पड़ जाएगा। तो दादागिरी करके हम पैसा ला सकते हैं।
तीसरा रास्ता अपने पास है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा कर सकते हैं और हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि इन नेताओं ने कैसे लूटा ये पैसा, वो फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है। और चौथा और आखिरी रास्ता ये है जिसको भारत सरकार ने कहा है कि हम करेंगे, हम स्विट्जरलैंड की सरकार से ही बात करें और उन्हीं को कन्विंस कर दें तो भी ये पैसा आ सकता है।